हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांस स्टार्डस में। और योर आज की इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस नेहा उलाल की रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, नेहा उलाल की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी लकी, नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म में सलमान खान के साथ इन्हें काम करने का मौका दिया गया था और ये मौका इन्हें इस वजह से दिया गया था कि इनका चेहरा ऐश्वर्या राय से काफी मैच कर रहा था। इसके बाद नेहा उलाल ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितनी मूवीज में काम किया है और उनकी कितनी मूवीज हेट, कितनी फ्लावर, कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, एज एन एक्ट्रेस नेहा उलाल की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है लकी, नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राधिका राव ने। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, नेहा उलाल और मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। ये फिल्म 8 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी। 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 15 करोड़ 94 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 26 करोड़ 87 लाख और बॉक्स ऑफिस पर लकी, नो टाइम फॉर लव एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आर्या अनब्रेकेबल। फिल्म की लीड कास्ट में सुहेल खान, स्नेहा उलाल, पुनीत इसार और इंदर कुमार शामिल थे। ये फिल्म 15 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई थी। 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 96 लाख के कलेक्शन किए और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। दिसंबर 2007 में रिलीज होने वाली मूवी जाने भी दो यारो। इस फिल्म में स्नेहा उलाल ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। एक करुणा करण के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी उल्ला संगा उत्साहंगा। इस फिल्म की लीड कास्ट में यशु सागर और स्नेहा उलाल शामिल थे और ये तेलुगु सिनेमा के लिए स्नेहा उलाल की डेब्यू मूवी थी। ये फिल्म 18 जुलाई 2008 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अजय शास्त्री के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नीनू मीकू तलुसा। फिल्म की लीड कास्ट में मनोज मंचू, स्नेहा उलाल, रिया सीन शामिल थे और ये फिल्म 8 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। दिसंबर 2008 में रिलीज होने वाली तेलुगु लैंग्वेज की मूवी किंग। इस फिल्म में स्नेहा उलाल ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। बी एच तरुण कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी काश मेरे होते। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, कुमार सुहेल और स्नेहा उलाल शामिल थे। ये फिल्म 9 जनवरी 2009 को रिलीज हुई थी। 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 10 लाख के कलेक्शन किए और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। पाल नदी सूर्या प्रताप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी करण। फिल्म की लीड कास्ट में सुशांत और स्नेहा उलाल शामिल थे। यह फिल्म 19 जून 2009 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। संगीत सिवान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी क्लिक। फिल्म की लीड कास्ट में श्रेयस तालपड़े, साधा, स्नेहा उलाल, रेहान खान और चंकी पांडे शामिल थे। ये फिल्म 19 फरवरी साल 2010 को रिलीज हुई थी। 7 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 46 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 3 करोड़ 21 लाख। बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। मार्च 2010 में रिलीज होने वाली अल्लू अर्जुन स्टारर तेलुगु मूवी वारुदू। इस फिल्म में स्नेहा उलाल ने कैमियो अपीयरेंस दिए थे। बोयापति श्रीनाव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सिम्हा। फिल्म की लीड कास्ट में नंदामुरी बालकृष्णा, नयांथरा, स्नेहा उलाल शामिल थे। ये फिल्म 30 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सीतारामा राजू दन तुल्लूरी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी माडाटा काजा। फिल्म की लीड कास्ट में अल्लारी नरेश, स्नेहा उलाल शामिल थे। यह फिल्म 29 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। क्रिश की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वनम। फिल्म की लीड कास्ट में सिलाम बारासन, भारत, अनुष्का शेट्टी, स्नेहा उलाल और प्रकाश राज शामिल थे। यह फिल्म 29 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंदिनी रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी एला मोडा लैंडी। फिल्म की लीड कास्ट में नानी, नित्या मेनन और स्नेहा उलाल शामिल थे। यह फिल्म 21 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अशोक त्यागी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी इट्स रॉकिंग दर्द डिस्को। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कपूर, रिया, स्नेहा उलाल, सिकंदर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। ये फिल्म 9 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 12 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 16 लाख और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। अनिल सनकारे की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी एक्शन 3D। फिल्म की लीड कास्ट में अल्लारी नरेश, श्याम, वैभव और स्नेहा उलाल शामिल थे। ये फिल्म 21 जून 2013 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
जसवंत गंगानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बेजुबाइश। फिल्म की लीड कास्ट में मुग्धा गोडसे, स्नेहा उलाल और निशांत मलकानी शामिल थे। ये फिल्म 3 जुलाई 2015 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट मालूम नहीं हो सका, लेकिन इंडिया में सिर्फ 8 लाख के कलेक्शन करके एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। पी वासु की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आयुष्मान भावा। फिल्म की लीड कास्ट में शिवा राजकुमार, आनंद नाग, रिचिता राम और स्नेहा उलाल शामिल थे। यह फिल्म 15 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। कन्नड़ लैंग्वेज की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। शंकर के मार्थन की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज एक्सपायरी डेट। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में टोनी लोक, स्नेहा उलाल, मधु शालिनी शामिल थे और ये 10 एपिसोड पर मुश्तमिल वेब सीरीज थी, जिसे Z5 के थ्रू डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर 2 अक्टूबर 2020 से दिखाया गया था। हेमंत नीलम दास की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में धार्मी अग्रवाल, कमाल और मानू राज के अलावा स्नेहा उलाल भी इस वेब सीरीज का हिस्सा थी और यह वेब सीरीज 16 जनवरी 2021 से ऑनलाइन डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई थी। अभय नैलानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लव यू लोकतंत्र। इस फिल्म की लीड कास्ट में कृष्णा अभिषेक, अली असगर, दीपक दलाल, स्नेहा उलाव और सपना चौधरी शामिल थे। ये फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को दिखाई गई थी। 22 से 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 14 लाख के कलेक्शन किए और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई और यही एज एन एक्ट्रेस स्नेहा उलाल की अब तक रिलीज आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। स्नेहा उलाल की अपकमिंग मूवी का नाम है साकू 363 अमृता की खिजादी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कल्याण श्रीरावी और फिल्म की लीड कास्ट में मिलन गुनाजी, स्नेहा उलाल शामिल होंगे और ये फिल्म आपको 2022-2023 में देखने को मिल सकेगी। तो व्यूअर, स्नेहा उलाल अपने कंप्लीट करियर में 22 मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी ब्लॉकबस्टर, एक मूवी सुपरहिट, 3 मूवीज हिट, 1 एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 3 फ्लॉप और 7 मूवीज डिजास्टर रही। 3 मूवीज में स्नेहा उलाल ने स्पेशल अपेयरेंस दिए हैं और उनकी 2 मूवीज या वेब सीरीज डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो इस हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्नेहा उलाल का सक्सेस रेशियो बनता है 41.18%। तो व्यूअर्स, ये थी स्नेहा उलाल की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस स्नेहा उलाल की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।